नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल, आडवाणी, सुषमा तक सभी का सपना था कि कब वो दिन आएगा जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। ये इंतजार 6 अगस्त को खत्म हो गया जब मोदी शाह की जोड़ी ने पहले राज्यसभा फिर लोकसभा से जम्मू कश्मीर मुद्दे पर लाए गए विधेयक को पास करवाकर अनुच्छेद 370 को इतिहास बना दिया। देशवासियों के साथ ही इस पल का इंतजार कर रही सुषमा स्वराज भी अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को लेकर बेहद खुश थी। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज का ये ट्वीट देखकर जैसे लग रहा था कि उनके दिल में ये कसक थी जिसका इंतजार वो कर रही थी, और जब उनका ये सपना पूरा हुआ तो उन्होंने अचानक ही दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना हर किसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ओजस्वी वक्ता और महान नेता सुषमा स्वराज अब नहीं रहे। सुषमा स्वराज के जाने से जितना दुखी भारत के लोग हैं, उतने ही दुखी पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरा माहौल रहा तब भी उन्होंने पाकिस्तानियों को मेडिकल वीजा देना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज को पाकिस्तानी भी खूब पसंद करते थे। इसलिए पाकिस्तान के लोग भी सुषमा स्वराज के जाने से बेहद दुखी हैं। पाकिस्तान की ट्विटर यूजर नफीसा ने कहा, वो पाकिस्तान की दोस्त थी। पाकिस्तान के लोग एहसान फरामोश नहीं हैं। हम भी दुखी हैं। सुषमा स्वराज, रेस्ट इन पीस। सुहेल नाम के पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा, सभी राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए सुषमा जी एक माँ, एक पत्नी और एक देशभक्त भारतीय थी। इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली एकमात्र महिला। पाकिस्तान की ओर से संवेदना। सैफ सोमेजा नाम के पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा, एक महिला के तौर पर साहस की महान पहचान थी। उन्होंने अपने देश की अच्छी तरह से सेवा की और हमारे पाकिस्तान की महिलाओं समेत कई महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया। मैं राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं अपने दोस्तों से जरूर साझा करता था कि काश पाकिस्तान के पास उनकी जैसी विदेश मंत्री होती। पाकिस्तान के मलिक इब्राहिम ने सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है, पाकिस्तान की ओर से प्यार। सैयद मुजाहिद शाह नाम के पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा है, वास्तव में भारत का बड़ा नुकसान है, रेस्ट इन पीस, रेस्पेक्ट एंड प्रेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। अदनान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, रेस्ट इन पीस, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं पाकिस्तान से हूं लेकिन मानवता मेरे लिए सबसे पहले है। पाकिस्तानी पत्रकार याश्वीन जमाल ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन। वो जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आई थी तो उनसे मिला था। वो महान वक्ता के साथ ही कुशल नेता भी थी। ब्लड डोनर्स पाकिस्तान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, सुषमा स्वराज के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वो एक अच्छी इंसान थी। उन्होंने कई पाकिस्तानियों को मेडिकल वीजा पर भारत में अपना इलाज कराने की अनुमति दी। सुषमा स्वराज के निधन पर जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिकों ने दुख जताया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व और पहचान को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने अपने व्यवहार और प्यार से भारत के साथ ही पाकिस्तान के लोगों को भी अपना मुरीद बना दिया। एक नेता के साथ ही सुषमा स्वराज माँ के तौर पर भी लोगों से लाड़ प्यार करती थी, जिसकी वजह से हर कोई आसानी से उनका मुरीद हो जाता था। सुषमा स्वराज के मातृत्व की झलक आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। जब वो पाकिस्तान की जेल से लौटे हामिद के परिवार से मिली तो परिवार फफक फफक कर रोने लगा, तो कैसे सुषमा स्वराज ने उन्हें संभाला। मेरा भारत महान, मेरी मैडम ने सब किया है मैम।
उसके मुंह से नहीं पता चला। बस कोई बुरा समय होता है बेटा, कोई बुरा वक्त। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा में जन्मी सुषमा स्वराज ने संघ में काम किया, तो वहीं अटल सरकार से लेकर मोदी सरकार तक मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं को अपने ओजस्वी भाषण से प्रभावित किया। 1996 में जब अटल सरकार विश्वास मत के संकट का सामना कर रही थी, तो उस वक्त सुषमा स्वराज ने मोर्चा संभाल लिया था और कैसे पूरे विपक्ष को अकेले दम पर चित कर दिया था, देखिए उनका वो ऐतिहासिक भाषण। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बसाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि हम चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, हिंदुत्व शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे, लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियननेस, इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरारी मारन जी के, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारत भारतीय भारतीयता क्या होती है। मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा, एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरारी मारन जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखारता है। यह एक संस्कृति के कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है एक संस्कृति। मुझे संस्कृति का उदाहरण कहीं शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है, ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं
एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। के बारे में नहीं, ये ऐसे ही हो गया। आखिर चार लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, जेएमएम गायब है, शुगर स्कैंडल गायब है, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढिंढोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं। केवल मुक्के मारकर कह देने से ये नहीं होगा अध्यक्ष जी, आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला है। आज भी यूरिया स्कैम में अक्सर पकड़े गए हैं, लेकिन दोनों के रिश्तेदार अभी नहीं पकड़े गए। 5 दिन का समय दिया गया, आखिर क्यों? इसलिए मैं कहती हूँ, ये साझेदारी सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं हुई है, ये साझेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिद्धांत के नाम पर की गई साझेदारी। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं रामविलास पासवान, कहते हैं ये सरकार चलेगी। आज यहाँ कहा जाता है ये सरकार चलेगी नहीं, दौड़ेगी, 5 साल तक रहेगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ मेरे नेता ने तो नहीं कहा, बयान तो पहला बीजू पटनायक का आया पहला बयान, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट। किस घटक के हैं वो? भाजपा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान आया, हाँ वही कर, बुद्धदेव आचार्य का बयान आया, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट फॉर 6 मंथ्स। ये किस घटक के हैं? भाजपा के। अध्यक्ष जी, मुझे करेक्ट करने की क्या जरूरत है? पहली स्टेटमेंट छपी उसका जिक्र मैंने कर दिया, डिनायल इन्होंने किया उसका जिक्र मैंने कर दिया, दोनों चीज रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। नरसिंह राव जी के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए 7 महीने से 1 साल के बीच में तैयार रहना चाहिए, ये बयान भाजपा की तरफ से तो नहीं आया। इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है, क्या सांझ है नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सांझ है? आ गए बीजू पटनायक जी, क्या सांझ है? आ गए ये बीजू पटनायक जी हाथ में और जेबी पटनायक में, क्या सांझ? इधर एड्रेस करिए आपने अध्यक्ष जी, सुषमा जी आप इधर एड्रेस करिए। चारा और खाद के अलावा क्या सांझ है राम लखन सिंह यादव और लालू यादव में? क्या सांझ है ममता बैनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में? मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बगल में क्यों बैठे? तमिलनाडु के हितों की अनदेखी करते करुणानिधि ने देवेगौड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घरों की पीड़ा भूलकर ममता जी, अपने घरों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही हैं? ठीक है। ममता जी, आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ? मुझे वो दृश्य जस का तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी, इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था।
मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था। यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें